Hello everyone, this is Himani, your educator, and I welcome you all to Apita Sharma classes. This is another important lecture in the series of important international organizations for UPSC CSE, and this is going to be very important for the prelims as well as for the mains. Here is a small announcement for you before we begin. You can subscribe to Apita Sharma classes for daily Hindu analysis, daily MCQs, strategy related classes for UPSC CSE, quality lecture and many more such things. You can also join our Telegram channel called Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Apita Sharma ma'am is also taking Unacademy Plus courses for UPSC CSE. You can use the referral code Sharma20 to get up to 10% discount. This is the quote for today. If we don't change, we don't grow. And if we don't grow, we aren't really living. Now let's begin with the class. Today we are going to be learning about the Arctic Council. The Arctic Council is the leading intergovernmental forum promoting cooperation, coordination and interaction among the Arctic states, Arctic indigenous communities and other Arctic inhabitants on the common Arctic issues, in particular on issues of sustainable development and environmental protection. So, Arctic Council is an intergovernmental forum. किस चीज के लिए बना है वो? Cooperation के लिए, coordination and interaction के लिए. किसके बीच में? Arctic states के बीच में, आर्कटिक इंडिजिनियस कम्युनिटीज के बीच में, आर्कटिक इनहेबिटेंट्स जो लोग वहां पर रहते हैं उन लोगों के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसीलिए ये आर्कटिक काउंसिल बना है. किन चीजों पे फोकस करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस करने के लिए. द आर्कटिक काउंसिल वर्क्स एज अ कंसेंसस बेस्ड बॉडी टू डील विद द इश्यूज सच एज चेंज इन बायोडायवर्सिटी, मेल्टिंग सी आइस, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ब्लैक कार्बन. तो ये कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो कंसेंसस से लिया जाता है और बहुत सारे इश्यूज पे बात की जाती है, विच इज बायोडाइवर्सिटी में चेंज जो हो रहा है, जो सी आइस इज मेल्टिंग, द प्लास्टिक पोल्यूशन विच इज हैपनिंग एंड द ब्लैक कार्बन इश्यू. सो हु आर द मेंबर्स? यू कैन लुक एट द मैप. सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द नॉर्थ पोल. द आर्कटिक ओशन इज हियर एंड यू कैन सी द कंट्री सराउंडिंग द आर्कटिक ओशन एंटेल्स द कंट्री विच आर द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल. सो दिस इज यूएस, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, कैनेडा. History of Arctic Council. The formation of Arctic Council can be traced in the establishment of the Arctic Environmental Protection Strategy in 1991 as a framework for intergovernmental cooperation on environmental protection initiatives among the Arctic states including Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Russia and US. ये वही वाले states हैं जो Arctic के states हैं. तो Arctic Council की शुरुआत हम कहाँ trace कर सकते हैं? एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी बनी थी, आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी बनी थी 1991 में, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते थे और इनिशिएटिव लेना चाहते थे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे कंट्रीज मिलकर. सो द आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी ट्राइड टू कंसल्ट एंड एंगेज आर्कटिक इंडिजिनियस पीपल इन रिकॉग्निशन ऑफ द राइट ओवर देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड्स. तो ये जो स्ट्रेटजी, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी थी, ये चाहते थे कि ये आर्कटिक रीजन के लोगों को कंसल्ट करें और इन्हें एंगेज करें आर्कटिक इंडिजिनियस पीपल को, एक उनको एहसास दिलाए कि दे हैव द राइट ओवर देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड्स. तो थ्री इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग इनुइट, सामी एंड रशियन इंडिजिनियस पीपल रिस्पेक्टिवली वर वेलकम्ड एज ऑब्जर्वर्स इन द आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी. व्हाट इज इनुइट एंड सामी? लेट्स लुक एट इट. इनुइट आर अ ग्रुप ऑफ कल्चरली सिमिलर इंडिजिनियस पीपल्स इनहैबिटिंग द आर्कटिक रीजंस ऑफ ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का. ये इंडिजिनियस लोग हैं जो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रहते हैं, उनकी कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? इनुइट. और सामी पीपल कौन है? दीज आर द पीपल इन फिनो-उग्रिक पीपल इनहैबिटिंग सांपी विच टुडे इनकम्पासेस लार्ज नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला पेनिनसुला विद इन द मरमांस एल्बास्ट ऑफ रशिया. तो ये भी एक कम्युनिटी है लोगों की जो इन वाले रीजन में रहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड कोला पेनिनसुला. तो इनकी जो कम्युनिटी थी, जो काउंसिल थे, इनुइट का काउंसिल है इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल आईसीसी, सामी का काउंसिल है सामी काउंसिल एससी, रशियन इंडिजिनियस पीपल का काउंसिल है रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ द नॉर्थ रायपॉन. इन सबको ऑब्जर्वर्स बनाया गया इस स्ट्रेटजी में. विच वॉज द स्ट्रेटजी? आर्कटिक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स टू द आर्कटिक रीजन, द आर्कटिक कंट्रीज असाइंड द स्पेशल स्टेटस ऑफ परमानेंट पार्टिसिपेंट्स टू द थ्री IPOS. IPOS क्या है? इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन. ये इंडिजिनियस लोगों की ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई इन्होंने इन तीनों कम्युनिटीज के लोगों को लेके, और ये माना गया कि इनका एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए आर्कटिक काउंसिल में और उनको परमानेंट पार्टिसिपेंट्स का स्टेटस दे दिया गया, देयर बाय गिविंग देम अ प्रिविलेज स्टेटस कम्पेयर टू अदर AEPS ऑब्जर्वर्स. इनको एक प्रिविलेज स्टेटस मिल गया जो बाकी के ऑब्जर्वर्स थे उनसे ज्यादा बड़ा स्टेटस मिला, क्योंकि वो लोग इंडिजिनियस पीपल है, वहां पे रहने वाले लोग हैं. फॉर्मेशन ऑफ द आर्कटिक काउंसिल.
The Arctic Council is a high-level intergovernmental body set up in 1996 by Ottawa Declaration to promote cooperation, coordination and interaction among the Arctic states together with the indigenous communities and Arctic inhabitants. This we know, we've read about it abhi. Arctic Council ek high intergovernmental body hai jo 1996 mein set up hua. Kab set up hua? 1996 mein. Ottawa Declaration ka. This is very important. We have to remember this for the prelims. This can come in the prelims. Ek statement mein aa jayega question mein. To promote cooperation, coordination and interaction in the Arctic states. So the council has 8 circumpolar countries as member states and is mandated to protect the Arctic environment, promote the economies and social and cultural well-being of indigenous people whose organizations are permanent participants in the council. So this we know, this council consists of 8 circumpolar countries. We've seen the countries in the map. Aur inka mandate kya hai? Inhe environment ko protect karna hai. They have to protect the Arctic environment. They have to promote the economies, वहां की economy का ख्याल रखना है and they have to take care of the cultural and social well-being of the indigenous people, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनका social and cultural well-being का भी ध्यान रखना है. Arctic Council Secretariat, this is a standing Arctic Council Secretariat formally became operational in 2013 in Tromsø, Norway. तो ये Arctic Council Secretariat कब हमारा operational हुआ? Tromsø, Norway में 2013 में. It was established to provide administrative capacity, institutional memory and enhanced communication and outreach and general support to the activities of the Arctic Council. So, this secretariat kis liye bana? Ek institutional memory aur ek administrative capacity dene ke liye council ko, okay? The council has the members, ad hoc observer countries and permanent participants. Permanent participants, in 1998, the number of permanent participants doubled to make up present 6 as the Aleut International Association, the Arctic Athabascan Council, AAC, the Gwich'in Council International, GGI, were appointed as permanent participants. So, jab permanent participants hai, ab 1998 mein 6 ho chuke hain. Doubled in number, matlab ki 3 aur add ho gaye hain. Aleut International Association, the Arctic Athabascan Council and Gwich'in Council International. Pehle 3 kaun se the? The first 3 were these. Inuit Circumpolar Council, ICC, Sami Council, SC, the Russian Indigenous Peoples ka jo institution tha, which was Russian Association of Indigenous Peoples of the North, RIPON. ठीक है, इन तीनों को मिला के and उन तीनों को मिला के permanent members, permanent participants now are 6. Observer status, it is open to non-Arctic states also. Non-Arctic states भी observer बन सकते हैं along with intergovernmental organizations, inter-parliamentary organizations, global, regional and non-governmental organizations that the council determines can contribute to its work. जिसको कि आपके council समझता है कि उनके काम में contribution दे सकते हैं, ऐसे organizations or institutions join कर सकते हैं council as an observer. It is approved by the council at the ministerial meetings that occur once in every 2 years. Ministerial meeting कब होती है? Once होती है 2 साल में. Formation of the Arctic Council. The Arctic Council observers primarily contribute through their engagement in the council at the level of working groups. Institutions which become the observers of council, they contribute through the working groups. Working groups bana ke contribute karte hain Arctic Council ke kaam mein. Observers have no voting rights in the council. As of May 2019, 13 non-Arctic states have the observer status. Germany, Netherlands, Poland, UK, France, Spain, China, India. India ne kab liya tha observer status? 2013 mein mila tha. Italy, Japan, South Korea, Singapore, Switzerland. Criterion for admitting the observers. Abhi kis pe depend karta hai? It depends upon the acceptance and support of the objectives of the Arctic Council defined in the Ottawa Declaration. Ye depend karega ki agar jo country institution join karna chahta hai Arctic Council, whether it supports the objectives of the Arctic Council or not. Recognition of Arctic state sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the Arctic. So, India has therefore officially recognized the territorial jurisdiction and sovereign rights of the Arctic states. Jo bhi state join karna chahta hai as an observer, wo sovereignty or sovereign rights or jurisdiction ka dhyan rakhta hai Arctic ke. So, they can be added as the observer of the Arctic Council. India has already recognized their territorial jurisdiction. Recognition that an extensive legal framework applies to the Arctic Ocean included the Law of the Sea, which is UNCLOS, United Nations Convention for Law of the Sea, and that this framework provides a solid foundation, responsible management of this ocean. The interested institution or a country which wants to be an observer in the Arctic Council should recognize कि एक extensive legal framework जो है apply करता है Arctic Ocean जो है उसकी jurisdiction पे and the Law of the Sea है वो apply करता है. इस चीज को recognize करना होगा जो interested country या institution है observer बनने में.
So India has already accepted the UN clause as the governing instrument for Arctic, implying that jurisdiction over both the continental shelf and maritime passage and the resources of the ocean will primarily lay with the 8 Arctic states. तो इंडिया ने ऑलरेडी मान लिया है कि आर्कटिक काउंसिल जो है उसको यूएन क्लोज प्रोटेक्ट करता है और जो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है और जो मैरिटाइम पैसेज है और जो रिसोर्सेज हैं आर्कटिक की उन पर सिर्फ और सिर्फ वो जो 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं उनका हक है. रिस्पेक्ट द वैल्यूज इंटरेस्ट कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द आर्कटिक इंडिजिनियस पीपल एंड अदर आर्कटिक इनहेबिटेंट्स. उनके वैल्यूज इंटरेस्ट और कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए. जो भी स्टेट्स ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं have demonstrated a political willingness as well as financial ability to contribute to the work of the permanent participants and other Arctic indigenous people. उन लोगों को जो भी state member बनना चाहती है financial ability or political willingness होना चाहिए if they want to invest in that region. Have demonstrated their Arctic interests and expertise relevant to the work of the Arctic Council. They should have some interest or expertise relevant, जो भी जरूरी expertise है वो उनके पास होना चाहिए. So they can contribute in some or the other way. Have demonstrated a concrete interest and ability to support the work of the Arctic Council, including through partnerships with the member states and permanent participants, bringing Arctic concerns to global decision-making bodies. उनके पास ability और interest है to support the Arctic Council in their work. Mechanism of the Council. The work of the Council is primarily carried out by 6 working groups. अभी 6 working groups कौन से हैं? Arctic Contaminants Action Program (ACAP). It acts as a strengthening and supporting mechanism to encourage the national actions to reduce the emissions and other release of the pollutants. Arctic Contaminants Action Program. So, Arctic में जो भी contaminants release होते हैं, उनको prevent करना है. Arctic Monitoring and Assessment Program. It monitors the Arctic environment, ecosystems and human populations and provides scientific advice to support the governments as they tackle pollution and adverse effects of the climate change. Arctic को monitoring करना है. In what sense? They have to protect the environment, the ecosystems, the human populations. और climate change तो है, उसके होने वाले impact से Arctic को बचाना है. Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group. It addresses the conservation of Arctic biodiversity, working to ensure the sustainability of the Arctic's living resources. तो जो Arctic की living resources है, उसका ख्याल रखना है, जो biodiversity है, उसका ख्याल रखना है, flora and fauna का ख्याल रखना है. Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group. It works to protect the Arctic environment from the threat or the impact of accidental release of pollutants and radionuclide. So, कोई भी ऐसा accidental release हो जाता है किसी pollutant का या कोई radionuclide release हो जाता है environment में, तो उस time पे जो prevention, preparedness और response की जरूरत है, ये working group उस चीज का ध्यान रखता है. Protection of the Arctic marine environment, working group. It is the focal point of the Arctic Council's activities related to the protection, sustainable use. ऑफ दी आर्कटिक मरीन एनवायरमेंट. तो जो आर्कटिक काउंसिल है ये एक फोकल पॉइंट है आर्कटिक काउंसिल की एक्टिविटीज का और ये सस्टेनेबल यूज का ख्याल रखता है कि जो आर्कटिक की रिसोर्सेज और जो मरीन एनवायरमेंट है उसका सस्टेनेबल यूज हो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप. इट वर्क्स टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द आर्कटिक एंड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ आर्कटिक कम्युनिटीज एज अ होल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाना चाहता है आर्कटिक कम्युनिटीज में. आर्कटिक काउंसिल असेसमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस आर द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस एंड एफर्ट्स अंडरटेकिंग बाय द वर्किंग ग्रुप्स. तो जो भी असेसमेंट्स और रिकमेंडेशंस अभी तक आया है आर्कटिक काउंसिल में, दोज हैव बीन अंडरटेकन बाय द वर्किंग ग्रुप्स. द डिसीजंस ऑफ द आर्कटिक काउंसिल्स आर टेकन बाय कंसेंसस अमंग द 8 आर्कटिक काउंसिल स्टेट्स विद फुल कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द परमानेंट पार्टिसिपेंट्स. तो जो भी डिसीजन लेना होता है कंसेंसस के साथ लिया जाता है, एक दूसरे को कंसल्ट करके विद द परमानेंट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो. द चेयरमैनशिप ऑफ द आर्कटिक काउंसिल रोटेट्स एवरी 2 ईयर्स अमंग द आर्कटिक स्टेट्स. हर 2 साल में रोटेट होता है चेयरमैनशिप. द फर्स्ट कंट्री टू चेयर द आर्कटिक काउंसिल वाज कनाडा इन 1996 एंड 1998 एंड द नेक्स्ट कंट्री टू अज्यूम द चेयरमैनशिप विल बी आइसलैंड 2019 टू 2021. अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ काउंसिल. द आर्कटिक काउंसिल रेगुलरली प्रोड्यूसेस कॉम्प्रिहेंसिव कटिंग एज एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल एंड सोशल असेसमेंट्स थ्रू इट्स वर्किंग ग्रुप्स. तो जो आर्कटिक काउंसिल है वो कटिंग एज एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल और सोशल असेसमेंट्स लेके आता है सामने वर्किंग ग्रुप्स की मदद से. The council has also provided a forum for negotiation of 3 important legally binding agreements among the 8 Arctic states. तो ये एक फोरम भी बन चुका है negotiation के लिए और 3 important legally binding agreements भी हैं Arctic states के लिए. वो कौन से हैं? पहला है the agreement on cooperation on aeronautical and maritime search and rescue in the Arctic. It was signed in Nuuk, Greenland in 2011 ministerial meeting. तो ये agreement किससे deal करता है? Aeronautical and maritime search and rescue operations पे. Second क्या है?
अग्रीमेंट कोऑपरेशन ऑन मैरिटाइम ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, जो मरीन ऑयल पोल्यूशन और प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स है उससे रिलेटेड है ये अग्रीमेंट, एंड इट वॉज साइंड इन किरुना स्वीडन इन 2013 मिनिस्ट्रियल मीटिंग. थर्ड वन इज द अग्रीमेंट ऑन एनहांसिंग इंटरनेशनल आर्कटिक साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड वॉज साइंड इन फेयरबैंक्स अलास्का इन 2017 मिनिस्ट्रियल मीटिंग. तीसरा किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल आर्कटिक साइंटिफिक कोऑपरेशन पे. इंडिया एंड द आर्कटिक, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन इन द आर्कटिक ओशन इन 2007. पहला जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन आर्कटिक में शुरू किया वो था 2007 में. ओपन द रेस्क्यू बेस नेम्ड हिमाद्री इन द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस इन एनवाय एरिसेंट स्वालबार्ड नॉर्वे इन जुलाई 2008 फॉर कैरिंग आउट स्टडीज इन डिसिप्लिन लाइक ग्लेशियोलॉजी, एटमोस्फेरिक साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेज. सो इंडिया ने अपना एक रिसर्च बेस भी स्टार्ट किया आर्कटिक में, हिमाद्री जो कहाँ पर है, इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस में नॉर्वे, और ये कब सेटअप किया, 2008 में. द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन रिसर्च इन आर्कटिक रीजंस आर एज फॉलोज. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आर्कटिक में रिसर्च करने का, टू स्टडी द हाइपोथेसाइज्ड टेली कनेक्शंस बिटवीन द आर्कटिक क्लाइमेट एंड द इंडियन मॉनसून बाय एनालाइजिंग द सेडिमेंट एंड आइस कोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द आर्कटिक ग्लेशियर्स एंड द आर्कटिक ओशन. अब इंडिया वॉन्ट्स टू नो कि जो आर्कटिक का क्लाइमेट है और इंडियन मॉनसून है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, एंड दे वॉन्ट टू एनालाइज जो वहाँ के सेडिमेंट्स हैं, जो आइस कोर रिकॉर्ड्स हैं और जो आर्कटिक ग्लेशियर्स हैं, वहां से हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू नो द कनेक्शन बिटवीन आवर मॉनसून एंड द आर्कटिक का क्लाइमेट. टू कैरेक्टराइज सी आइस इन द आर्कटिक यूजिंग सैटेलाइट डेटा टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन. वी वॉन्ट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी आइस इन द आर्कटिक, जो सी की आइस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना चाहते हैं. बाई यूजिंग सैटेलाइट डेटा वी वॉन्ट टू नो द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन. कंडक्ट रिसर्च ऑन डायनामिक्स एंड मास बजट ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर्स फोकसिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर्स ऑन सी लेवल चेंज. हम रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं आर्कटिक ग्लेशियर्स में और जो सी लेवल चेंजेस हैं उस पर इफेक्ट देखना चाहते हैं. टू कैरी आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ द आर्कटिक एंड द रिस्पॉन्स टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. इन एडिशन इट इज प्रपोज्ड टू अंडरटेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम बोथ द पोलर रीजन्स. एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना चाहते हैं फ्लोरा एंड फौना जो है आर्कटिक रीजन में और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का उनपे क्या इफेक्ट पड़ता है, और हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी कंडक्ट करना चाहते हैं दोनों पोलर रीजन्स में कि साउथ पोल पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का और नॉर्थ पोल पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का. इंडिया हैज बीन क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन द आर्कटिक रीजन इन द लाइट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इमर्जिंग फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस कैप. तो इंडिया क्लोजली फॉलो कर रहा है जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी आइस कैप मेल्ट हो रहा है आर्कटिक का उस पर हमारी नजर है. इंडिया के इंटरेस्ट क्या है आर्कटिक रीजन में, we want to conduct scientific researches, we want to know the effect on the environmental aspects of the arctic region and we want to conduct comparison between India's monsoon and arctic region's climate. We have commercial interests as well, we want to exploit the resources that are there in the arctic and we have strategic interests as well because the arctic sea could be used for commercial purposes as well. In July 2018 ministry of earth sciences renamed the national center for antarctic and ocean research to the National Center for Polar and Ocean Research. It is a nodal organization coordinating the research activities at the stations at the poles. तो ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी एक्टिविटीज हम पोल्स पर कंडक्ट करते हैं उनके लिए. इंडिया हैज ऑल्सो एंटर्ड द MOU विद द नॉर्वेजियन पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वे फॉर कोऑपरेशन इन साइंस ऑल्सो विद द किंग्स बे अ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी एट NY Ellison for the logistic and infrastructure facilities for undertaking arctic research maintaining indian research base himadri at the arctic region. humne ek mou sign kiya hai norwegian polar research institute ke sath mein, kings bay ke sath mein, ye government owned company hai, aur humne ek research base set up kiya himadri arctic region mein. 2019 mein india has been re-elected as an observer of the council. so india has been re-elected as an observer of the council. india does not have an official arctic policy and its arctic research objectives have been centered on ecological and environmental aspects with a focus on climate change till now. अभी तक हमारा जो focus है वो सिर्फ environmental और ecological aspects पे है. We don't have an official arctic policy. So what is the conclusion? The arctic region is very rich in minerals. arctic region में बहुत सारे minerals पाए जाते हैं and oil and gas भी है. So there are fossil fuels as well.
With some parts of the Arctic melting due to global warming, the region also opens up the possibility of new shipping routes that can reduce the existing distances. So, ice cap जो melt हो रहा है, उसकी वजह से there is a negative side, but it has a positive side as well. नई possible shipping lanes खुल सकती है, which could be helpful in reducing the distance between the trading countries. Countries already have ongoing activities in the Arctic. Hope to have a stake in the commercial exploitation of the natural resources present in the region. So, जो भी countries ongoing activities का हिस्सा हैं, they want to be a part of the commercial exploitation of the resources which are present in the Arctic. The Arctic Council does not prohibit the commercial exploitation of resources in the Arctic. It only seeks to ensure that it is done in a sustainable manner without harming the interests of the local populations and conformity with the local environment. तो आर्कटिक रीजन आर्कटिक काउंसिल जो है वो किसी को प्रोहिबिट नहीं करता है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करने से रिसोर्सेज का बट इट वांट्स दैट इट शुड बी डन इन अ सस्टेनेबल मैनर ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म पहुंच जाए एंड लोकल पॉपुलेशन गेट सफर्ड देयरफॉर टू स्टे रेलेवेंट इन द आर्कटिक रीजन इंडिया शुड टेक एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वर स्टेटस इट हैज अर्नड इन द आर्कटिक काउंसिल एंड कंसिडर इन्वेस्टिंग मोर इन द आर्कटिक तो जो इंडिया को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया शुड टेक बेनिफिट एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस thing and should invest more in the Arctic region. So this was all about the class. I hope you like the class and you can get the PDF for this class on our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with Ease. Thank you.